हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के पास में ये 2 से 3 नंबर के कान्हा जी का पोशाक धागा के द्वारा बनाकर लाए हुए हैं। देखिए, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। अगर इसे आप बड़े कान्हा जी का बनाना चाहती हैं तो चोली आप अपने कान्हा जी के विग्रह के अनुसार चोली तैयार कर लें, और सेम तरीके से आप बड़े कान्हा जी का भी बना सकते हैं। अगर ऊन के द्वारा बनाना चाहती हैं तो भी आप सेम तरीके से ऊन से भी बना सकती हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए आप अपने विग्रह के अनुसार कान्हा जी की चोली बना लें। चोली बना लेने के बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करते हुए एक लाइन कंप्लीट कर लें, जिस तरह से हम यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं, देख सकती हैं आप इस तरह से। अब यहाँ पे इसके बाद हम दूसरा लाइन में इस तरह का बनाएंगे। देखिए इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए हम 2 चेन छोड़कर, 1 और 1 2, 2 चेन छोड़कर तीसरे चेन पे हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेंगे, फिर उसी चेन से 1 और डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम फिर 2 चेन लेंगे और एक चेन छोड़कर तीसरे चेन पे हुक को डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया यानी 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 1 और डबल क्रोशिया उसी जगह से तैयार करेंगे, फिर 2 चेन लेंगे। तो देखिए हम इस तरह से बनाते हुए इसे पूरी गुलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब इस पे हम इस तरह से पूरी गुलाई में बनाकर यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। कंप्लीट करने के बाद अगला लाइन हम ये बुने हुए हैं, और यहाँ एक से हम इस तरह का 2 बनाए हुए हैं और दूसरा हम ठीक इसी के ऊपर इसी तरह का बनाए हुए हैं। यहाँ हमें कुछ नहीं करना है। देखिए इसे हम किस तरह से बनाए हैं। फंदे ले लेंगे। फंदे लेने के बाद यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। बना लिए, अब 1 चेन ले लेंगे और फिर देखिए जो डबल क्रोशिया हम बनाए हुए हैं इसी के ऊपर से हमें इस तरह से फंदे को निकालना है। 1, फिर फंदे लेंगे, फिर निकालेंगे, 2, फिर फंदे लेंगे, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 8। इसे आप चाहें तो और भी घना कर सकती हैं, 8 के जगह 10 भी रख सकती हैं, 8, और चलिए हम 10 ही कर लेते हैं, 9 और 1 10। जो लास्ट हम लेंगे वो हम यहाँ से लेंगे, इस तरह से यहाँ से लेंगे। इसके बाद एक जो 10वां रहेगा उसे इस तरह से हम निकाल लेंगे एक बार। इसके बाद अब जितना भी ये सबको हमें एक बार में गिराना है, देखिए एक बार में हम इस तरह से निकाल लेंगे। निकाल लिए, अब इसे हम एक बार यहाँ पे चेन से बांध लिए। अब फिर से 1 चेन ले लेंगे, फिर फंदे लेंगे, हमें 2 बनाना है यहाँ पे, तो फिर फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद फिर से हम यहाँ पे हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, फिर 1 चेन ले लेंगे, फिर फंदे लेंगे, और 10 बार हम इसी तरह करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट जो 10वां रहेगा वो हम इस स्थान से लेंगे 10, और 10वां को हम एक बार चेन से बांध लेंगे। अब फिर हम यहाँ पे सबको एक साथ निकाल देंगे। एक बार ये ले लिए, देखिए ये 2 बन गया, इस तरह से 2 बन गया, यहाँ तैयार हो गया। हम इसी चीज़ को हमें पूरे लाइन में बनाना है। फिर फंदे लेंगे, अब देखिए यहाँ पे हम इसी तरह से बनाए हुए हैं, यहाँ फंदे लेकर इस पे हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। फिर से 2 चेन ले लेंगे। अब हमें फिर से इसी चीज़ को बनाना है इस स्थान पर, तो इसे ही बनाते हुए हम गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे एक लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसे हम यहाँ लाकर जोड़ देंगे।
जोड़ दिए इस तरह से। ये जोड़ देने के बाद में फिर बीच में हम इस धागे को बीच में लाएंगे इस तरीके से। लाने के बाद एक दो तीन, तीन चेन ले लिए। फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे, देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया कर लिए। फिर से इसे एक चेन ले लेंगे और हम फिर से इसी चीज को बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये रहा दस। एक हम पहले गिरा लेंगे और बाकी को एक साथ, ये हो गया। फिर एक चेन लेंगे। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर से तीन निकालना है। ये हम सबसे पहले दो इस तरह से दो ठो बनाए, हम दो पीस में हम तैयार किए। अब हमें यहाँ पे तीन निकालना है, क्योंकि जैसे जैसे पोशाक बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे इसका संख्या भी बढ़ता चला जाएगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और एक दस। एक और बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और एक दस, ये रहा दस। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक हम चेन ले लेंगे। अब हमें दो से तीन किए, तीन से चार करना है, या तीन से आप सबसे पहले हम दो से तीन किए, तीन का लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें जो करना है ये मात्र एक डबल क्रोशिया हम इस तरह से लेंगे, क्योंकि यहाँ हमें कम करते चले जाना है। हमें यहाँ पर हम ये चीज़ को बढ़ा रहे हैं, इसलिए इस चीज़ को हम कम कर लेंगे। एक डबल क्रोशिया ले लिए, अब एक चेन ले लेंगे और फिर से इसी स्थान पे हम हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, एक चेन ले लेंगे और इस तरह का तीन बना लेंगे। यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे इस तरह का, बनाते हुए गोलाई में बनाकर इसे हम कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। देखिए, ये लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे इसे जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद फिर हम इसकी संख्या बढ़ाएंगे। अगर हम संख्या नहीं बढ़ाएंगे तो घेरा में सिकुड़न आ जाएगा। इसे हम यहाँ पे जोड़ लेंगे, देखिए यहाँ पे हम इसे इस तरह से जोड़ दिए। बीच में यहाँ पे ले आएंगे हम धागे को। अब तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये हो गया। एक चेन ले लेंगे, फिर से हम इसी चीज़ को बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और एक दस। दस हम यहाँ से लेंगे एक बार में, सबसे पहले दसवां, फिर एक साथ सबों को, ये हो गया। अब देखिए, एक और हम इसी जगह से बनाएंगे। हमें तीन के बाद चार करना है, तो यहाँ से हम दो बनाएंगे और यहाँ से दो बनाएंगे। इस तरह से करते हुए हम पूरे इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे, ये हो गया। अब यहाँ से भी हम एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और एक दस, ये हो गया। अब इस जगह से भी हम दो बना लेंगे यहाँ से, तो हमारे पास चार हो जाएगा। ये चार हो जाएगा फूल। संख्या हमें हर बार संख्या हमें बढ़ाना है। जब लगे कि अभी हमें घेरा बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है, सिकुड़न नहीं आ रहा है,
तो ही हम एक लाइन ज्यों क्या त्यों बीन सकते हैं, वरना हमें हर बार चेन की ये इस चीज़ की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और एक दस। इस तरह से बुनते हुए हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया में एक ही करेंगे। सबसे पहले हम इस फूल को बुन लेते हैं। दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ये हो गया। अब एक चेन ले लिए, यहाँ पे हमें इस जगह पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, एक चेन ले लेंगे। फिर से हम इसी चीज़ को यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ संख्या बढ़ रहा है, दो दो से तीन, तीन से चार हो रहा है। अब इस बार आएंगे तो चार से पाँच करेंगे। चार से पाँच करने के लिए क्या हमें करना होगा, एक यहाँ से लेंगे, दो यहाँ से लेंगे, चार पाँच। अच्छा, सबसे पहले हम इसे कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम आप लोगों को बताएंगे पाँच कैसे करें। आप यहाँ भी कर सकते हैं, देखिए एक दो, यहाँ से दो ले लेंगे और यहाँ से दो ले लेंगे, बीच से एक ले लेंगे, तो यहाँ पे पाँच हो जाएगा। इस तरह से भी हम बना सकते हैं। इस तरह से इसे बनाते हुए हम, चूँकि ये छोटे कान्हा जी का पोशाक है, इसलिए इसे हम, इसका घेरा हमें ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, छोटे कान्हा जी का है तो ज़्यादा बड़ा हम नहीं करेंगे, लेकिन अभी ये और बनेगा, बनाते हुए इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हम यहाँ पे चार, यहाँ पे चार सबसे पहले किए, सबसे पहले तो दो फूल बनाए, दो के बाद तीन बनाए, तीन के बाद यहाँ से दो बना लिए, फिर इस स्थान से दो बना लिए, तो ये चार बन गया। अब जब हमें पांच बनाना था तो हम कलर चेंज कर लिए और एक जगह से हम दो फूल बनाए, एक जगह से एक और एक जगह से दो फूल बनाए। इस तरह से हम पांचवा फूल भी कंप्लीट कर लिया। और देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, छोटे से कान्हा जी का है, दो से तीन नंबर तक के कान्हा जी का है। और जिस लाइन, जिस कलर से हम ये आउटलाइन दिए हुए हैं फूल को बनाते हुए, उसी कलर से हम यहाँ पे चोली में भी आउटलाइन दिए हुए हैं। तो इस तरह से पोशाक बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पोशाक अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।